प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी लिट में पाठ 3 ईमानदार मुर्गा नामक पाठ को एक कहानी के रूप में समझाएंगे। आप सभी उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, मुर्गा आप सभी लोगों ने देखा होगा। और मुर्गे का काम क्या होता है कि वो सुबह जल्दी बांग देकर सभी लोगों को जगा देता है। वह अपने कार्य को हमेशा सही समय पर करता है। तो बच्चों, हमें भी उस मुर्गे से यह सीखना चाहिए कि हमें भी अपना कार्य ठीक समय पर करना चाहिए। तो आइए आपको सुनाते हैं ईमानदार मुर्गे की एक कहानी। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। उसका प्रतिदिन का काम था कि सवेरे बांग देकर सबको उठाना। वह गर्मी, बरसा, सर्दी तीनों ऋतुओं में सभी को बिना गलती किए हुए जगाता था। उसकी बांग सुनकर सभी लोग अपने काम पर जाते थे। सभी उसके काम से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि कोई भी अपने काम के लिए कभी देर से नहीं पहुंचता था। उसके इसी ईमानदार कार्य के कारण ग्राम समिति वार्षिकोत्सव में उसे इनाम दिया करती थी। एक बार उससे मिलने पड़ोस के गांव से उसका दोस्त आया। वह उसके लिए एक उपहार लाया था। वह उपहार था एक अलार्म घड़ी। मुर्गे ने सोचा कि जब वह खुद ही सबको उठाता है तो उसके लिए अलार्म घड़ी किस काम की। बच्चों, लेकिन उसके दोस्त ने समझाया कि हे मित्रों, इस घड़ी में यदि आप अपनी आवाज़ भरकर रख देंगे तो यह आपकी आवाज़ में ठीक समय पर आवाज़ देगी और आप देर तक सो सकते हैं। मुर्गे ने सोचा, चलो ठीक है। एक दिन उसने उस अलार्म घड़ी का प्रयोग किया और उसमें अपनी आवाज़ भरकर उस घड़ी को रख दिया। एक रात उसने अपनी आवाज़ में अलार्म भरा और उस घड़ी को रख दिया। घड़ी ने ठीक समय पर आवाज़ दी। सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर अपने काम पर चले गए। मुर्गे ने देखा कि यह घड़ी तो बहुत अच्छे काम की है। उसने कहा, इस घड़ी में अलार्म भर के तो मैं काफ़ी देर तक सो सकता। उसी दिन से मुर्गा निश्चिंत होकर सो जाता था। घड़ी ठीक समय पर आवाज़ देती और लोग ठीक समय से अपने काम पर चले जाते थे। बच्चों, ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उस घड़ी ने आवाज़ देना बंद कर दिया। लेकिन मुर्गा उस घड़ी से अनजान था। मुर्गा समझता था कि घड़ी तो रोजाना आवाज़ देती है। लेकिन जब एक दिन उस घड़ी ने आवाज़ नहीं दी तो गांववासियों ने सोचा कि शायद हो सकता है कि मुर्गे को तबीयत खराब होगी, इसलिए उसने
आज आवाज नहीं दी है, लेकिन दूसरे दिन भी उस गढ़ी ने आवाज नहीं दी। सभी लोग अपने काम के लिए देर से पहुंचे। उन्होंने देखा कि मुर्गा आवाज क्यों नहीं देता है और वो अपने काम के लिए लेट हो गए, तो उन्होंने मुर्गे के घर जाकर कारण जानना चाहा। जब वो सभी लोग मुर्गे के घर पहुंचे तो देखा कि मुर्गा आराम से सो रहा है। सभी लोग उस पर क्रोधित हुए और उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, क्यों तुम अपना काम कर्तव्यनिष्ठ होकर क्यों नहीं कर रहे हो? वहाँ मुर्गे ने उन्हें बताया कि मेरे दोस्त ने मुझे एक गढ़ी दी है, लोगों ने उस गढ़ी के विषय में सुना तो उन्हें उस मुर्गे पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसके दोस्त को वहाँ बुलाया। उसके दोस्त ने वहाँ आकर सभी लोगों को बताया कि मेरा दोस्त अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से करता था और आप लोग उसे वार्षिकोत्सव में जो तोहफा जो इनाम दिया करते थे उससे मैं द्वेष करता था, इसलिए मैंने उसे यह खराब घड़ी लाकर दी। बच्चों, जब मुर्गे ने यह बात बताई तो लोगों की गुस्सा शांत हुई, उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उस मुर्गे को बहुत टांगा। मुर्गे ने भी अपने दोस्त से माफ़ी मांगी। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे लोग या वस्तुओं पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को भी भूल जाएं। प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अपने अच्छे दोस्तों पर गर्व करना चाहिए और उनसे कभी हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य कर्तव्यनिष्ठ होकर और ईमानदारी से करना चाहिए।